यस सर। ओके यस सर। अच्छा यस अच्छा सर। अच्छा बेटा, आज सुबह जो असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, वही असाइनमेंट के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना? देख लेता हूँ कौन ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो असाइनमेंट जो दिया था सुबह उसी में से कुछ करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, सेट का एक क्वेश्चन दिया था, आई थिंक आप लोग में से बहुत सारे कर दिए होंगे, बहुत सारों का एक क्वेश्चन में भी डाउट होगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये था कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, सो दैट ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, सो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। बेटे सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली? यस सर। बस यस सर। ओके, तो बेटे देखो ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, आप अगर एक ही बार ये सवाल को समझोगे तो आपको कभी जिंदगी भर ये भूलोगे भी नहीं, सबको आप खुद समझा पाओगे। फिलहाल बेटे क्वेश्चन में आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, दिखाना है कि ये दोनों सेट इक्वल है। क्वेश्चन में आपको ये दो सेट को इक्वल दिखाना है, ठीक है ना? तो बेटे कोई भी दो सेट को हम कैसे इक्वल दिखाते हैं, दो सेट कब एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं? मानो एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, दो सेट एक दूसरे के साथ कब इक्वल होते हैं? अगर वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं, राइट? यस सर। अगर दोनों सेट एक दूसरे यस अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि दो सेट इक्वल है। ऐसा क्यों? अगर एक्स वाई का सबसेट है, इसका क्या मतलब है कि एक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट है सबके सब वाई के अंदर भी हैं। उसी तरह अगर हम ये भी प्रूव कर देते हैं कि वाई एक्स का सबसेट है, इसका क्या मतलब होता है कि वाई के अंदर जितने सारे एलिमेंट है वो सब एक्स के अंदर भी है ना? लेट में ज्वाइन करते हैं। तो वाई सबसेट ऑफ एक्स करने का क्या मतलब है कि वाई के अंदर, गुड इवनिंग, वाई के अंदर के सारे एलिमेंट एक्स के अंदर भी हैं। तो अगर एक्स के सारे, हाँ यस 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 यस, लेट में ज्वाइन करते हो, कुछ मत बोलो बस ज्वाइन करो। अगर एक्स का सारे एलिमेंट वाई में है एंड वाई के भी सारे एलिमेंट एक्स में है तो ऑटोमेटिकली क्या समझा जाता है कि दो सेट इक्वल है। तो बस हमें यहाँ पर वही करना है, अगर ये दो सेट को इक्वल दिखाना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि दोनों एक दूसरे के सबसेट, बस इतना ही हमारा काम है, ये हमारा टास्क है कि दोनों को एक दूसरे का क्या दिखाना बेटे बताओ, सबसेट दिखाना। सबसेट दिखाना, ओके। जो दोनों सेट को इक्वल दिखाना चाहते हो उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है आपको। अच्छा तो बेटे एक बात मुझे बताओ, अगर अगर मैं ये प्रूव करना चाहूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो कैसे प्रूव करता हूँ? अगर मैं प्रूव करूँगा, करना चाहूँगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, वो मैं कैसे प्रूव करूँगा, कौन बताएगा? सर हमें दिखाना होगा कि ए का कोई भी एक एलिमेंट बी में है। यस, कोई भी एक एलिमेंट मतलब एनी रैंडम एलिमेंट, राइट? ए का, एक्सैक्टली। हाँ, ए का एनी रैंडम एलिमेंट बी में भी मौजूद है। अगर ये दिखा देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाता है कि ए बी का सबसेट है। तो आप में से बहुत सारों का मे भी डाउट होगा कि रैंडम एलिमेंट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए, सपोज उसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3, और मैं अगर बोलता हूँ कि एक्स इज ए, लेट एक्स इज ए रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट ए, रैंडम वर्ड या फिर आर्बिट्रेरी, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर हम एक्स के मतलब एक्स एक्स यहाँ पर सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्स थ्रू एक्स हम सेट ए के सारे एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट? एक्स के मतलब है 1 2 3 यस सर। यस यस। तो अगर बेटे मैं, लेट में ज्वाइन करते हैं, 7 मिनट लेट में ज्वाइन करते हैं। ओके चलो ठीक है। ओके तो एक्स अगर सेट ए का एक रैंडम एलिमेंट है, इसका मतलब है एक्स सेट ए का सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना?
तो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि वही एक्स बी में भी मौजूद है, मतलब सेट ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट बी में भी मौजूद है, तो इससे क्या प्रूव हो जाता है? इसका मतलब है ए का हर एक एलिमेंट बी में है। अगर मैं बोलूँ ए के अंदर सारे रैंडम, मतलब कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा वो बी में भी है, तो इसका यही मतलब है ना कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है, राइट? क्लियर? हेलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, जैसे जैसे मैं अगर एक एक घर के अंदर अगर 100 लोग हैं, है ना, 100 पीपल है, अगर मैं बोलूँ ये घर के अंदर से कोई भी रैंडम एक इंसान को उठाओ, ये घर के अंदर जो 100 लोग हैं वो 100 लोगों में से कोई भी एक रैंडम पर्सन को उठाओ अमीर है, अगर मैं बोलता हूँ एनी रैंडम पर्सन फ्रॉम दिस हाउस इज रिच, इसका क्या मतलब है कि ये घर के अंदर ही जो 100 के 100 लोग सबके सब रिच है, कोई भी रैंडम पर्सन को उठा दो वो रिच है। इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि घर के अंदर सारे लोग रिच है। आई होप यू गेट माई पॉइंट ऊपर, क्लियर? रैंडम का मतलब ये होता है, बस। यस सर। बस तो बस कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है, और कोई सेट को दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट दूसरे सेट में भी है। तो चलो वही करते हैं। अच्छा, दूसरा बात क्या है बेटे? अच्छा, आप लोग सबको पावर सेट का मतलब समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज पावर सेट, राइट? पावर सेट। यस सर। ऑफ सेट। यस सर। पावर सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। सेट ए का पावर सेट को मैं ऐसे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए। तो पावर सेट खुद एक सेट है, ऑब्वियसली उसमें वर्ड लगा है सेट, तो पावर सेट एक सेट है ना, पावर सेट इज ए सेट। खाली एक स्पेशल काइंड ऑफ सेट है, एक स्पेशल टाइप का सेट है। पावर सेट ऑफ ए एक ऐसा सेट है जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए का एक एक सबसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ए लिखता हूँ, एलिमेंट ए लिखता हूँ 1 2, ये एक सेट है, ए सेट। चार होंगे सर। एक सर फोर। यस। एक के क्या क्या सबसेट्स हैं बेटे? एक तो होता है फाई, जो कि दुनिया का सारे सेट का सबसेट है, तो फाई ए का भी सबसेट होगा। फिर हम कैसे करते हैं कि एक एक करके एलिमेंट उठाते हैं, एक एक करके एलिमेंट उठा के एक एक सेट में डाल देते हैं। जैसे कि ये सेट ए का एक सिंगलटन सबसेट है, ये सेट ए का एक सिंगलटन सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर बस एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट सेट ए से ही आया है, ऑब्वियसली ये सेट ए का एक सबसेट है। और एक एलिमेंट 2 उठाओ, उसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो, ये भी सेट ए का एक सिंगलटन सबसेट बन गया। खुद एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक एक करके उठाए, फिर दोनों को पालने को ब्लैंक कर। यस। तो ऐसे करके सेट ए के 4 सबसेट बनते हैं। अगर मैं ये चारों सबसेटों को एलिमेंट मानकर, अगर मैं ये चारों सबसेटों को, क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि एक सेट के एलिमेंट एक सेट भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बेटे? 2 एलिमेंट है, एक ये और एक ये, है ना। खुद एक सेट एक दूसरे सेट का एलिमेंट भी हो सकता है, एक सेट कुछ ही दूसरे सेट का एलिमेंट भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, इधर अगर मैं सेट ए के जो 4 सबसेट हैं उनको एलिमेंट बनाकर अगर एक बड़ा सा सेट के अंदर डाल दूँ, तो बड़ा सा सेट को हम बोलेंगे सेट ए का पावर सेट। तो जाहिर सी बात है कि पावर सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए का एक एक सबसेट। क्या है सेट ए का एक एक सबसेट, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, दूसरा बात, अब सबको पता है कि पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एक एक सेट है, राइट? दे आर ऑल्सो सेट। यस सर। बस तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि पावर सेट का हर एक एलिमेंट खुद अपने में एक सेट है, वो खुद अपने में एक सेट है। ओके, तो बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर पावर सेट का हर एक एलिमेंट खुद अपने में एक सेट है, तो मैं अगर पावर सेट ऑफ ए का एक रैंडम एलिमेंट लूं, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? लेट कैपिटल एक्स। हाँ, मैं उसको लिखूंगा कि लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ पावर सेट। आप बोलोगे सर क्यों स्मॉल एक्स क्यों नहीं लिखे, क्यों लिखे कैपिटल एक्स? इसका ये वजह है बेटे, क्योंकि पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, सब खुद एक एक सेट है, और सेट को हम हमें हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं।
तो हालांकि ये पावर सेट का एक एलिमेंट है, लेकिन खुद एक सेट है, इसीलिए हम उसको कैपिटल एक्स लिख रहे हैं। आई होप यू गेट इट नाउ, क्लियर? यस सर। बस यस सर। बस तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो बेटे मैं काम करता हूँ, पहले ये सेट को, ये सेट का सबसेट दिखाऊंगा, इसको इसका सबसेट दिखाऊंगा। तो लेट ऑब्वियसली ये ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट है, ए एक सेट, बी एक सेट, दोनों का इंटरसेक्शन एक सेट, और उस सेट का ये पावर सेट है। मतलब ए इंटरसेक्शन जो भी सेट है उसका ये पावर सेट है। तो ये तो पावर सेट ही ना, पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक खुद एक सेट होता है ना। तो लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब कैपिटल एक्स जो है वो ये जो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसका एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट हो मतलब क्या लिखेंगे कि कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटे देखो यहाँ पर हम शुरू कैसे कर रहे हैं कि कैपिटल एक्स मानो इस सेट का एक रैंडम एलिमेंट है। रैंडम एलिमेंट मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है ये। अच्छा, अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूँ, अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूँ कि यही एलिमेंट जो कि इसका कोई भी रैंडम एलिमेंट है, यही एलिमेंट इस सेट में भी मौजूद है, अगर ये प्रूव कर दूँ तो क्या प्रूव हो जाता है कि ये सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट या दूसरे सेट में भी है, तो हो जाएगा ये उसका सबसेट। वही हम करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटे? लॉजिकली करेंगे। कैसे करेंगे? लॉजिकली करेंगे। अच्छा बेटे एक बात बताओ, अगर ये कैपिटल एक्स, अगर ये पावर, ये जो सेट है, ये जो इसका पावर सेट का अगर एक एलिमेंट है, तो इसका यही तो मतलब होगा ना कि ये कैपिटल एक्स जिसका पावर सेट आप ले रहे हो उसका एक सबसेट होगा, राइट? यस सर। राइट, जिसका पावर सेट ले रहे हो उसका एक सबसेट होगा, तभी तो उसका पावर सेट का एलिमेंट बन रहा है, नहीं तो कैसे बनेगा? क्लियर? अच्छा यस सर। अब बेटे देखो, जरा सोचो, जरा इमेजिन करो, ये जो कैपिटल एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट है। अच्छा एक काम करो, जरा इमेजिन करो, इसको लॉजिकली विजुअलाइज करो। मैं एक सेट ए ले रहा हूँ, एक सेट बी ले रहा हूँ, ये एक क्रूड डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लॉजिकली समझ सको। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी मतलब यही हिस्सा हो, हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, दोनों का कॉमन हिस्सा जहाँ पर दोनों के कॉमन एलिमेंट रिजाइड करते हैं, रहते हैं। बस अच्छा बेटे, अगर कैपिटल एक्स ए इंटरसेक्शन बी जो कि ये है, अगर इसका एक सबसेट है, तो कैपिटल एक्स उसके अंदर ही रहेगा ना ऐसे कहीं पर, राइट? यस सर। क्योंकि कैपिटल एक्स उसका सबसेट है, इसका क्या मतलब होता है कि कैपिटल एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके सब ए इंटरसेक्शन बी में भी मौजूद है। आपका लिखने का मतलब यही है। अच्छा ऐसा जब होता है तो आप देख सकते हो कि यही कैपिटल एक्स सेट ए का भी एक सबसेट बन रहा है एंड ऑटोमेटिकली सेट बी का भी एक सबसेट बन रहा है। अगर कैपिटल एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो ऑटोमेटिकली ये ए का बी का दोनों का भी सबसेट हो रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, लॉजिकली ये सही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती कुछ नहीं लिख रहे हैं, डायग्राम देख के आप पता कर सकते हो। तो एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए यस दिस ऑल्सो इम्प्लाइज एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी, ऑब्वियसली। अच्छा तो बेटे मुझे बात बताओ, अगर ये कैपिटल एक्स ए का सबसेट है तो क्या इसका यह मतलब नहीं ये कैपिटल एक्स ये ए का पावर सेट का एक एलिमेंट होगा, राइट? यस सर। ए का सारे सबसेट उसके पावर सेट के एलिमेंट ही तो होते हैं, अभी तो पढ़ाया था। ओके बिल्कुल उसी तरह बेटे, अगर ये कैपिटल एक्स बी का एक सबसेट है तो क्या इसका ये मतलब नहीं ये कैपिटल एक्स उसका पावर सेट का एक एलिमेंट होगा, क्लियर? अच्छा अब एक बात बताओ बेटे, ये कैपिटल एक्स ये सेट का भी एक एलिमेंट है
एंड ये सेट का भी एक एलिमेंट है, कैपिटल एक्स, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है। पावर सेट ऑफ ए का ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये कैपिटल एक्स ये दो पावर सेटों का कॉमन एलिमेंट है, राइट? अभी तो एंड लगाए हो, इसका क्या मतलब है? इस कैपिट ये जो कैपिटल एक्स ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा होगा, राइट? क्लियर? यस सर। सोनाली आर यू देयर? सोनाली आर यू देयर? नाउ डू यू गेट इट सोनाली और यू हैव स्टिल यू हैव डाउट्स? नो सर, आई डोंट। नाउ यू गेट इट कंप्लीटली? ओके ओके। तो बेटे देखो हमने क्या किए ना, लॉजिकली लॉजिक लगा के हमने प्रूव कर दिए कि ये जो सेट का ये जो सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट एक्स ये सेट को भी बिलोंग करता है, लॉजिकली दिखा दी। तो इसका मतलब ये सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट है सब के सब ये सेट में है, बिलोंग करते हैं रैंडम एलिमेंट। जैसे बोला घर के अंदर कोई भी रैंडम पर्सन अमीर है, रिच है, तो इसका क्या मतलब है? वो घर के अंदर जितने भी लोग हैं सबके सब रिच है। बिल्कुल उसी तरह इधर हमने दिखा दिए कि जो कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा था, हमने प्रूव कर दिए कि दिस ऑल्सो इम्प्लाइज, ये सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज, दिस एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो इससे क्या साबित हो जाता है कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। क्यों? अगर इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर है तो ऑब्वियसली उसका एक सबसेट ही होगा ना बेटे, क्लियर? तो बेटे देखो, हाँ तो बेटे देखो आपने क्या किए ना, लॉजिक लगा के ये सेट को इसका सबसेट दिखा दी, लेकिन ये काफी नहीं है, आपको इसको भी इसका सबसेट दिखाना होगा तभी जाके दोनों इक्वल होंगे। तो अभी उल्टा काम करेंगे, उल्टा जाएंगे। तो उल्टा कैसे जाएंगे कि लेट, अच्छा अभी बेटा कैपिटल एक्स और यूज नहीं करेंगे, अभी कैपिटल वाई यूज करेंगे कि लेट कैपिटल वाई बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अच्छा आप लोगों के मन में शायद ये डाउट आ रहा होगा, ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी ये किस टाइप का सेट होगा, राइट? इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए बेटे, जाहिर सी बात है, जरा इमेजिन करो। जैसे जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को चूज करते हैं, राइट? पी जाएगा सर। हाँ, जैसे कि सपोज एक सेट 1 2 है, एक सेट उसमें एलिमेंट है 2 3, तो मैं जब ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ क्या करता हूँ, दोनों का कॉमन एलिमेंट पिक करता हूँ जो कि 2 है, यह है ए इंटरसेक्शन बी, एक सेट है। बिल्कुल उसी तरह बेटे पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक एक सेट होते हैं, जिसका वो पावर सेट है उसके एक एक सबसेट होते हैं, आपको पता ही है। तो मानो पावर सेट ऑफ, मानो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मानो ये पावर सेट ऑफ ए के अंदर ये सारे एलिमेंट है, मानो ये सेट ए का पावर सेट, मानो मैं सेट बी का एक पावर सेट बना रहा हूं, मानो ये सेट बी का पावर सेट है, मानो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी करता हूं तो ये किस टाइप का सेट होता है? जाहिर सी बात है बेटे पावर सेट खुद एक सेट है, तो जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो दोनों का कॉमन एलिमेंट को चूज करोगे। तो देखो बेटे दोनों का अभी कॉमन एलिमेंट बस यही अकेला यही कॉमन एलिमेंट, हालांकि ये सब एक एक सेट हैं, लेकिन अभी ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं, ये सब इसके एक एलिमेंट है, ये सब इसके एक एलिमेंट है। तो दो सेट का कॉमन एलिमेंट हमें ढूंढना है, तो यही है ना दोनों का कॉमन एलिमेंट, देख रहे हो? बस तो हम क्या करते हैं कि यही कॉमन एलिमेंट उसको उठा के एक बड़ा सा सेट के अंदर रख दें, होता है दोनों का इंटरसेक्शन। तो जाहिर सी बात है ना बेटे कि दो पावर सेट का इंटरसेक्शन में भी जितने एलिमेंट होंगे वो खुद एक एक सेट होंगे,
राइट। तो पावर सेट के इंटरसेक्शन में भी जितने एलिमेंट हो गए वो भी खुद एक एक सेट हो गए ना। यस सर। ओके ठीक है भाई। ओके अच्छा तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ लेट कैपिटल वाई बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ दिस। तो दैट इम्प्लाइज कैपिटल वाई बिलोंग्स टू दिस। अब जाहिर सी बात है बेटा कैपिटल वाई अगर ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो ये दोनों को बिलोंग कर रहा होगा, इसको भी बिलोंग कर रहा होगा एंड इसको भी बिलोंग कर रहा होगा। अच्छा अगर ये कैपिटल वाई पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है तो इसका तो यही मतलब है ना कि ये कैपिटल वाई पावर ए का एक सबसेट होगा। उसी तरह अगर ये कैपिटल वाई बी का पावर सेट का एक एलिमेंट है तो इसका यही मतलब है ना कि ये कैपिटल वाई बी का एक सबसेट होगा। अब जरा इमेजिन करो बेटे ये कैपिटल वाई ए का भी सबसेट है बी का भी सबसेट है तो कंपल्सरली ये कैपिटल वाई ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। आप जरा इमेजिन करो कि ऐसा एक सेट कहाँ लोगे ताकि वो ए बी दोनों का सबसेट बने। आप अगर यहाँ लेते हो ये सेट को तो ये सिर्फ ए का बनेगा बी का नहीं बनेगा। आप अगर यहाँ लेते हो सिर्फ बी का बनेगा ए का नहीं बनेगा। आप अगर ऐसे भी लेते हो तो ए का तो सबसेट हो रहा है बी का नहीं हो रहा है क्योंकि बी के अंदर उसके सारे एलिमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि ये कैपिटल वाई को आप इधर ही कहीं पर रखोगे। यू गेट माई पॉइंट सो फार? तो ऑटोमेटिकली ये जो कैपिटल वाई ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट बन जाता है ऑटोमेटिकली। और अगर लॉजिकली भी सोचो कि कैपिटल वाई ए का सबसेट है इसका क्या मतलब है कि कैपिटल वाई का हर एक एलिमेंट ए में है। कैपिटल वाई बी का भी सबसेट है इसका क्या मतलब है कैपिटल वाई का हर एक एलिमेंट बी में भी है। इसका तो यही मतलब है ना कि कैपिटल वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब ए बी दोनों में हैं। अगर लॉजिकली सोचो ए में भी हैं इसके सारे एलिमेंट बी में भी हैं इसके सारे एलिमेंट तो इसका क्या मतलब है कि कैपिटल वाई का हर एक एलिमेंट ए बी दोनों में है। तो मतलब ऐसा समझ सकते हो कि कैपिटल वाई के अंदर जितने भी सब एलिमेंट है सब ए बी के कॉमन एलिमेंट है राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट ही होगा ना। क्लियर? यस सर। ओके यस सर। अब बेटे देखो ये कैपिटल वाई अगर ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट है इसका तो यही मतलब होगा ना ये सेट का जो पावर सेट होगा उसका एक एलिमेंट होगा ये कैपिटल वाई। तो बेटा हमने लॉजिकली क्या दिखा दिए कि कैपिटल वाई जो कि ये सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट है वो ये सेट में भी है। हमने ये दिखाए कि कैपिटल वाई विच वॉज ए रैंडम एलिमेंट ऑफ दिस ऑल्सो इम्प्लाइज इट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस। तो इसका कोई भी रैंडम एलिमेंट कैपिटल वाई इसमें भी है। इसका तो यही मतलब है ना कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। यस सर। तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। वेल पहला स्टेप में आपने इसको इसका सबसेट दिखाए थे अभी इसको इसका सबसेट दिखा दिए। दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो इसका यही मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है राइट। देयरफोर दिस इज इक्वल टू दिस। आई होप यू गेट इट राइट। ऐसे कुछ अलग मेथड नहीं? नहीं 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 फिलहाल यही बस। ओके डन। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। ओके गाइस आई कांट जूम आउट नाउ बिकॉज़ आई डोंट हैव माउस राइट नाउ। आई एम सिटिंग इन अनदर रूम सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस। हां यस। Okay, take it guys, take the screenshot. Done? Yes sir, done. Okay. Done? Yes sir. Yes sir. Yeah. Done sir. Yes sir. Okay, very good. Yes. बेटा थोड़ा बोर हो जा रहे होंगे जब मैं ज़्यादा एलाबोरेट कर रहा हूँ लेकिन मेरा हाथ बंधे हुए हैं। नो सर। नो नो मेरा हाथ बंधे हुए हैं। यस
मजबूर हूँ। क्यों मजबूर हूँ बताया ना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, सारे बच्चे जल्दी नहीं समझ पाएंगे, तो थोड़ा एलैबोरेट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जो आपको दिया था वो भी बहुत ही आसान सा सवाल था। नहीं, 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही आसान सवाल है, और मैं भी आप इसको इसको आपके सामने करूँगा, और आई रिक्वेस्ट यू कि आप जरा क्लास ख़त्म होने के बाद एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, मतलब क्या होता है बेटा पता है ना, खुद का अंतरात्मा को पूछना, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने अंतरात्मा को जाके पूछेंगे क्या मैं थोड़ा सा ट्राई करता तो इतना इजी सवाल क्या नहीं कर पाता, थोड़ा पूछोगे खुद को। गेट माई पॉइंट सो फार? हेलो, हाँ, यस सर, बस थोड़ा बस। क्योंकि बेटा आप जब नौकरी करोगे, आपका प्रोजेक्ट करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, यू हैव टू डू योर ओन प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट, नहीं तो नौकरी खो बैठोगे। तो सारे चीज़ें खुद से कुछ करना सीखो। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, अस्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, सो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो फिलहाल हमें ये दोनों सेट को इक्वल दिखाना है, और दो सेट को इक्वल हम कैसे दिखाते हैं, अगर हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं, तो वही हम करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं कि लेट स्मॉल एक्स, इधर कैपिटल एक्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम ए का एलिमेंट, एक ऑर्डिनरी सेट है, एक ऑर्डिनरी सेट है, कोई पावर सेट नहीं, तो इसका कोई भी एलिमेंट ही हो सकता है। हमें जरूरी पावर सेट में हम कैपिटल एक्स इसी ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पावर सेट का हर एक एलिमेंट कंपल्सरीली एक खुद एक एक सेट है, लेकिन सेट ए का एलिमेंट वो कुछ भी हो सकता है, वो एक ऑर्डिनरी एक छोटू सा एलिमेंट हो सकता है, या फिर एक सेट भी हो सकता है, तो इसीलिए सेट ए का हम स्मॉल एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए का कोई भी एक एलिमेंट एक्स है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर बेटा मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि यही एलिमेंट एक्स सेट बी में भी मौजूद है, तो क्या प्रूव हो जाता है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में भी मौजूद है, मतलब ए बी का सबसेट ऑटोमेटिकली। हर बार तो वही करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बेटे बताओ, सपोज मैं एक सेट इधर लिख रहा हूँ ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3। अच्छा अगर ये सेट ए का कोई एक एलिमेंट को उठा के मैं अगर उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लूँ, कोई भी एलिमेंट, इसको या फिर इसको भी उठाऊँ या फिर इसको उठाऊँ, अगर इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लूँ, तो क्या ये तीनों के तीनों सेट ए का एक एक सिंगल टर्न सबसेट नहीं बनते हैं? यस सर, बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे, बनेंगे बेटे। कैसे मुझे पता चला बनेंगे? मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि, अरे देखो बहुत बच्चे, तो आप क्या करते हो कि ऐसा देखते हो क्या इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं, क्या इसका हर एक एलिमेंट, अरे ये देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस सेट को बनाया कैसे हूँ, इसी से ही तो एलिमेंट लाके बनाया हूँ, इसी से ही तो लाके बनाया हूँ इसको ना, तो ऑटोमेटिकली इसका हर एक एलिमेंट ऐसे ही आया होगा, तो जाहिर सी बात है। तो इसका यही मतलब है बेटे कि अगर स्मॉल एक्स कैपिटल ए का कोई एक एलिमेंट है, अगर मैं ये स्मॉल एक्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लूँ, तो क्या ये कैपिटल ए का एक सिंगल टर्न सबसेट नहीं बन जाएगा? राइट, ये कैपिटल ए का एक सिंगल टर्न सबसेट बन जाएगा कि नहीं? जैसे वन ए का एक एलिमेंट है, मैं अगर वन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लूँ, तो वन ए का एक, ये ए का एक सबसेट है ना, तो बिल्कुल उसी तरह ये कैपिटल ए का एक सबसेट ही बनेगा ना। और आप खुद ही देख लो, ये सेट का हर एक एलिमेंट, बस एक ही तो एलिमेंट है स्मॉल एक्स, वो तो एक एलिमेंट है ही, आप लिए हो शुरुआत से, तो ये यहाँ पर यहाँ तक समझ गए हो? यस सर। ओके यस सर। अब बेटा इमेजिन करो कि अगर ये कैपिटल ए का एक सबसेट है, तो ये उसका पावर सेट का एक एलिमेंट नहीं होगा क्या? होगा ना, जरूर उसका। बस अच्छा एक बात बताओ, उसने दे रखा है, गिवेन है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, दोनों सेट इक्वल है। अब अगर ये दोनों सेट इक्वल है, तो इसका तो यही मतलब है ना कि दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है। तो अगर ये पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है
ये पावर सेट ऑफ बी में भी होगा, उसका भी एलिमेंट होगा, क्योंकि दो बोथ आर इक्वल, राइट। अब बेटा इमेजिन करो कि अगर ये बी का पावर सेट का एक एलिमेंट है तो क्यों है? पक्का वो बी का एक सबसेट होगा, इसीलिए वो बी का पावर सेट का एलिमेंट है, राइट। अच्छा अब बताओ बेटे, ये सेट अगर बी का एक सबसेट है तो इसका हर एक एलिमेंट बी में भी तो मौजूद होगा, तभी तो इसका सबसेट है। तो इसका मतलब यही है ना कि ये एक्स बी को बिलोंग करता है, इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है एक्स, वो बी में होगा, तभी तो ये उसका सबसेट हो रहा है। तो देखो बेटे, आपने लॉजिक लगा के क्या प्रूव कर दिए कि ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट बी में भी मौजूद है, लॉजिक लगा के। ये सिंबल को हम बोलते हैं बेटे इम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब ये, 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 तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये। तो ये कोई हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लॉजिक लगा के कर रहे हैं, सेट के प्रॉपर्टीज यूज करके कर रहे हैं। हम मनमर्जी कुछ नहीं लिख सकते कि दिस इम्प्लाइज दिस, प्रॉपर्टी लगा के कर रहे हैं। आज एक्स बिलोंग्स टू ए ऑल्सो इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसका तो यही मतलब है ना, ए बी का सबसेट है। अब बेटे देखो, मैं यहाँ पर आपको एक रिकमेंडेशन करूँगा। अब आपको क्या करना होता है कि बी को ए का सबसेट दिखाना होता है, जाहिर सी बात है दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट होंगे तभी वो इक्वल होंगे, क्योंकि आपको दोनों को इक्वल दिखाना है। तो आप वही प्रोसेस रिपीट करोगे कि लेट वाई बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ बी, और किसी तरह दिखाओगे वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। लेकिन बेटे मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ना प्रोसेस पूरा एग्जैक्ट सेम होने वाले हैं, पूरा एग्जैक्ट सेम। वही लिख लोगे स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल मतलब बी, वाई कॉली ब्रैकेट सबसेट ऑफ बी, वाई कॉली ब्रैकेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, वाई कॉली ब्रैकेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, वाई कॉली ब्रैकेट जो सबसेट ऑफ ए, वाई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर आप डिट्टो वही करने वाले हो, खाली एक्स के जगह वाई लिखोगे, ए के जगह बी से शुरू करोगे। तो हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं फिर से बी को ए का सबसेट पूरा दिखाना, क्योंकि ऑलरेडी जैसे दिखाए वैसे दिखाएंगे। तो क्या लिख देंगे बेटे, सिमिलरली वी कैन प्रूव व्हाट, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं तो इसका तो यही मतलब है ना कि दोनों इक्वल हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम सारे जगह ये कर सकते हैं क्या, सारे जगह लिख दें एक एक बस सबसेट दूसरे का प्रूव करके फिर लिख दें सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस? नो नो, सारे जगह नहीं। जैसे कि इसका पहला वाला जो अभी किए थे वैसा नहीं, वहाँ पर वैसा नहीं कर सकते, सिमिलरली लिख के नहीं छोड़ सकते। वजह क्या है कि वहाँ पर स्टेप्स अलग थे, यहाँ पर स्टेप्स अलग, वहाँ पर स्टेप्स अलग, मतलब यहाँ पर पूरा डिप्टो वही का वही रह रहा है, खाली खाली एक चेंज कर रहे हो खाली, लेकिन वहाँ पर पूरा अलग पूरा उल्टा जा रहे थे, इसीलिए वहाँ पर कंपलसरी इसका जो पहला वाला किए थे दोनों तरफ से आपको दिखाना होगा। आई होप यू गेट इट राइट। यस ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट डन सर। ओके वेरी गुड, यस सर वेरी गुड। तो आई अच्छा आप लोग मुझे बताओ क्या ये सवाल डिफिकल्ट था? नो सर। नो राइट, नो सर। यस, अगर ये सवाल को आप डिफ़िकल्ट बोलोगे तो लेट मी टेल यू, अगर ये सवाल आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाओगे, आईआईटी जेई वगैरह नहीं दे पाओगे, ना तो नीट दे पाओगे, ना कुछ भी एंट्रेंस आप सफल होगे देने में, क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर आप डिफ़िकल्ट बोलोगे तो। अच्छा, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे क्यों डिफ़िकल्ट मत हो रहा था, नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि मैं जितना दिमाग लगा रहा हूँ आप उतना दिमाग नहीं लगा रहे थे, बस बोल रहे थे कि सर बता देंगे हम कर देंगे, तो डोंट डू इट इन फ्यूचर, गेट माई पॉइंट्स ऑफ व्यू, थोड़ा ट्राई करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो लिसनिंग, यस सर, यस सर, यस सर। ओके अब देखो बेटा, सवाल है कि इफ टैन एक्स इज इक्वल टू इफ टैन एक्स इज इक्वल टू 3/4 एंड पाई लेस दैन एक्स लेस दैन 3π/2, इसका क्या मतलब है? एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है भाई बताओ? थर्ड थर्ड राइट, थर्ड क्वाड्रेंट, हां थर्ड क्वाड्रेंट। यस, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉमा
कॉस एक्स बाई टू कॉमा टैन एक्स बाई टू। अब बेटे कोई कुछ मत बोलो, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत कर लोगे बेटे। ये आप अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं बेटे, ये हाफ एंगल का सवाल है। मैंने आपको बोला था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको या तो टैन एक्स दे देगा, या फिर सेक एक्स दे देगा, या फिर साइन एक्स दे देगा, कॉस एक्स दे देगा, पांचों में से कोई एक दे देगा और आपको पूछेगा बताओ साइन एक्स बाई टू क्या है, कॉस एक्स बाई टू क्या है, टैन एक्स बाई टू क्या है, यही तीनों ही पूछेगा। लेकिन यहाँ पर वो टैन एक्स का जगह और भी कुछ दे सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स भी दे सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि तीनों का वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस एक्स का वैल्यू जानना जरूरी है। किसका वैल्यू जानना जरूरी है बेटे? कॉस एक्स का वैल्यू जानना जरूरी है। तो अगर आपको टैन एक्स का वैल्यू दिया है तो आपको किसी तरह उसमें से कॉस एक्स का वैल्यू को निकालना होगा, जो भी यहाँ पर दे रखा होगा। अगर डायरेक्ट कॉस एक्स दिया होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन वो जानबूझकर कुछ और दिया होगा जैसे कि टैन एक्स दिया है, तो आपको कॉस एक्स उससे निकालना है। कॉस एक्स निकालने के बाद ही ये तीनों का वैल्यू निकाल पाओगे। तो आप बोलोगे सर क्यों कॉस एक्स का वैल्यू हमें जानना जरूरी है तीनों का वैल्यू निकालने के लिए? बेटे हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो, हमने पढ़ रखे थे बेटे पहले, तो यस सर रिविजन के लिए याद कर लेते हैं बेटे। आप सबको पता है कि 1 + cos 2x क्या होता है बेटे, बताओ? 2 cos² x, राइट? यस सर। ओके यस सर। तो 1 + cos x क्या होगा? अगर आप ये एंगल 2x को आधा करके x कर दिए तो राइट हैंड साइड में भी जो एंगल x है उसको आधा करके x बाई टू ही तो करोगे सर। देख रहे हो कैसे हाफ एंगल कॉस एक्स। ओके चलो आगे चलते हैं। तो बेटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा? 1 + cos x का हाफ होगा, टू आके डिवाइड कर लोगे। तो कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर 1 + cos x / 2। जाहिर सी बात है। और मैंने आपको बोला था कि बेटे ये फॉर्मूला को ऐसे याद रखो कि रात के 2 बजे अगर आपको कोई आगे उठा के पूछे तो आप इसको बोल पाओ। लेकिन क्योंकि बेटे 12th में यही सवाल, यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूला का यूज करके बहुत सारे चीज़ें कराया जाएगा। तो आई होप आप लोग मेरा बात मान के इसको याद रख रहे हो, ठीक है ना? ओके। तो फिर मैंने आपको क्या बोला? अच्छा अब बेटे क्या आप सब देख पा रहे हो कि कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस एक्स का वैल्यू जानना जरूरी है? अब समझ में आया क्यों जरूरी है? यस सर। हाँ yes. बिल्कुल उसी तरह बेटे साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या है? बस खाली यहाँ पर 1 + cos x ना होके 1 - cos x / 2। तो देखो साइन एक्स बाई टू का वैल्यू जानने के लिए भी कॉस एक्स का वैल्यू जरूरी है। अब टैन एक्स बाई टू का वैल्यू निकालने के लिए दो दो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा रखा था, लेकिन यहाँ पर ना आप कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अगर आप निकाल देते हो तो टैन एक्स बाई टू को लिख सकते हो कि साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू। तो अननेसेसरीली टैन एक्स बाई टू का सेपरेट फॉर्मूला डालने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, टैन एक्स बाई टू का क्या फॉर्मूला था। अगर आप कॉस साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करते तो उसका फॉर्मूला निकल करते प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 - cos x / 1 + cos x। और मैंने बोला था ये डिफिकल्ट है, तो इजी क्या बोला था, इसका और एक फॉर्मूला है, और इजी एक फॉर्मूला है 1 - cos x / sin x। इससे sin x, लेकिन हम tan x by 2 का वैल्यू निकालने के लिए दोनों में से यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो वैल्यू sin x by 2 का आया होगा उसमें cos x by 2 का वैल्यू डिवाइड कर देंगे। अच्छा और एक बात मुझे बेटे समझाओ, क्या कोई एक एंगल का दो दो कॉस हो सकते हैं क्या? क्या कोई एक एंगल का दो दो कॉस हो सकते हैं? मैंने बताया था हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो, एक एंगल का बस एक ही कॉस होगा, एक ही साइन होगा, एक ही टैन होगा, एक ही कॉट होगा। ऐसा नहीं कि कोई 30 डिग्री का दो दो साइन होगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक्स बाई टू कोई एक एंगल होगा तो उसका कॉस क्या प्लस के लिए एक माइनस के लिए एक दो निकलेगा क्या? नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा, प्लस या फिर माइनस कोई एक लगाना होगा। तो कैसे पता करोगे? पता करोगे कि x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है। x बाई टू जो क्वाड्रेंट में है उसको देख के ही आप पता कर सकते हो कि उसका कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कॉस तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एस टी सी रूल बोलता है, वही बोलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है।
अगर फर्स्ट फोर्थ या दोनों में से कोई भी है तो हम प्लस लेंगे, अगर ये दोनों में से किसी में है तो यहाँ पर हम माइनस चूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट का बात। अब आते हैं असली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यू गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, ओके बस। तो बट एवरीबॉडी इज लिसनिंग, और कोई एब्सेंट माइंडेड हो गए हो बेटे? नो सर, नो सर, सुन रहे। यस सर, नो सर, सुन रहे। यस सर। ओके बस। तो बेटे जरा देखो, इधर tan x से आपका पहला टारगेट है cos x को निकालना। देखो बेटे, मैं आपको दो चीजें बोल रहा हूँ। बोलते हैं ना बेटे कि क्या बोलते हैं, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। कितनों ने ये सेइंग पढ़े हो स्कूल में, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस? सब पढ़े हो ना? यस सर। जिसको हम ओडिया में बोलते हैं अल्प विद्या भयंकरी। मतलब आपको अगर कंप्यूटर रिपेयर करना नहीं आता लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, तो आप कंप्यूटर को अगर खोल खोल के अगर रिपेयर करने लगो तो जाएगा काम से। बिल्कुल उसी तरह बेटे, मैं जब किसी एक चीज़ को करने के लिए दो दो फॉर्मूला, दो दो मेथड आपको समझा रहा हूँ, तो उसमें से जो मेथड में आप कंफर्टेबल हो एग्जाम में वही मेथड में करोगे, ज़बरदस्ती कोई एक मेथड में मत करो। तो टैन एक्स से कॉस एक्स निकालने के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल का मदद ले सकते हो, फॉर्मूला निकले के मदद भी ले सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लेके दिखाऊंगा, ठीक है? फॉर्मूला लेके राइट एंगल ट्रायंगल बहुत बार समझा चुका हूँ, जो राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए होंगे उनको फिर दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको फॉर्मूला से करता हूँ। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, टैन एक्स से अगर मुझे कॉस एक्स को निकालना है, मुझे टैन एक्स में से कॉस एक्स को निकालना है, इसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन ये दोनों के बीच में के मीडिएटर है वो है सेक एक्स। बेटे टैन एक्स सेक एक्स ये दोनों को लेके एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो वही आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए मैं टैन एक्स से सेक एक्स निकाल दूंगा। एक बार sec x निकाल दिया, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो cos x मिल जाएगा। यही थोड़ा चालाकी करना होता है। तो जरा बेटे सोचो, tan x हमारा है इधर 3/4, और बेटे मैं रूट ओवर बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज रूट ओवर। क्यों रूट ओवर यूज नहीं करूंगा, एक क्लास में बताया था, क्योंकि आप रूट ओवर में बहुत गलती करते हो। तो मैं कैसे करता हूँ देखो बेटे, तो पहले तो मुझे sec स्क्वायर x निकालना है। आप क्या करते हो, आप ऐसा करते हो sec x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर x। सही करते हो, कोई गलत नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि देखो बेटे x आपका अभी इधर थर्ड क्वाड्रेंट में है, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब उसका cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसका sec भी नेगेटिव होगा, cos sec दोनों नेगेटिव होंगे। तो sec x का फॉर्मूला में जो प्लस माइनस लिखा है इधर, हम दोनों में से सिर्फ और से माइनस को चूज करेंगे। अच्छा ऐसा बोला था, आप में से क्या करते हो, सुनते नहीं हो मेरा बात, लिख देते हो खाली ऐसा 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 करके लास्ट को लिखते हो माइनस समथिंग। तो गलत होता ना बेटे, ये खाली ये सिंबल से कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, उसके आगे माइनस दोगे तभी नेगेटिव होगा। तो हालांकि छोड़ो इसको, आपको ये समझाना मतलब पत्थर में सर पटकना है, पत्थर टूट जाएगा लेकिन मेरा सर मतलब मेरा क्या बोल रहा हूँ, पत्थर टूट उल्टा बोल दिया क्या, पत्थर टूट जाएगा लेकिन सर नहीं टूट गया, ऐसा कुछ राइट? हाँ यस। हाँ तो sec स्क्वायर x निकालो, sec स्क्वायर x कैसे निकालोगे बेटे, 1 प्लस टैन स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर x। एवरीबॉडी लिसनिंग, तो टैन स्क्वायर x क्या होगा, 9/16। तो दोनों को ऐड करने से क्या होगा बेटे, 25/16। अब बेटे देखो जरा, ये रॉफ में करता हूँ, रॉफ में, ये रॉफ वर्क है कि sec स्क्वायर x का वैल्यू अगर 25/16 है तो इसका मतलब sec x 25/16 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है उसका। sec x का स्क्वायर अगर 25/16 है तो sec x 25/16 का स्क्वायर रूट है। लेकिन 25/16 का दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक होता है 5/4, दूसरा होता है -5/4। लेकिन दोनों तो नहीं होंगे, किसी एक एंगल का दो दो sec नहीं होंगे, तो हमें डिसाइड करना होगा। हियर Here, x belongs to third quadrant, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec x नेगेटिव होता है, तो मैं sec x क्या लिखूंगा, इन दोनों में से किसको चूज करूंगा, और अगर sec x आ गया -5/4, म्यूट कर म्यूट कर, अगर sec x का वैल्यू आया -5/4 तो cos x तो उसका रेसिप्रोकल ही होगा ना, -4/5। बस
अब आगे चीजें आसान, सर। आगे चीजें आसान। देखो बेटा, मैं बिल्कुल स्क्वायर रूट सिंबल यूज नहीं करूंगा, आप बहुत गलती करते हो। आई विल नॉट यूज स्क्वायर रूट सिंबल एट ऑल, मैं डायरेक्ट 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 करता हूँ। फिलहाल बेटे आपको पता है कि आपको वैल्यू निकालना है कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, पहले ये दोनों का निकालते हैं। तो बेटे आप सबको पता है, अभी हमने किए थे कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स बाई टू, क्लियर? आप क्या करते हैं, आप लिखते थे कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर वन प्लस कॉस एक्स बाई टू, सही बात है। लेकिन मैं आप गलती ना करो ऐसे कर रहा हूँ, आई होप यू गेट इट राइट, वन प्लस कॉस एक्स बाई टू, क्लियर? वेरी गुड। अच्छा कितनों को नहीं समझ में आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स बाई टू, अभी किए थे वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा करके किए थे, सब समझ में आ रहा है? ओके, कॉस एक्स का वैल्यू क्या है बेटे, माइनस फोर बाई फाइव है। हाँ तो क्या होगा, फाइव माइनस फोर मतलब वन बाई फाइव और ये टू नीचे तो वन बाई टेन हो जाएगा राइट? ओके ओके। अच्छा बेटे जरा एक बात बताओ, कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर इज वन बाई टेन, तो कॉस एक्स बाई टू वन बाई टेन का स्क्वायर रूट होगा, तो वन बाई टू का तो दो दो स्क्वायर रूट होते हैं, वन बाई टेन का तो दो दो स्क्वायर रूट होता है, एक है वन बाई रूट ओवर ऑफ टेन, दूसरा आगा माइनस वन बाई रूट ओवर ऑफ टेन, जाहिर सी बात है। लेकिन एक एंगल एक्स बाई टू का तो दो दो कॉस नहीं हो सकते हैं, आपको देखना होगा कि x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में, और ये बहुत ईजी है, मैंने उस दिन आपको बताया था, एग्जाम्पल लेके कर लो। देखो बेटे हियर x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बोला था एक तो लिनियर इनइक्वालिटी से कर सकते हो, लेकिन आज मैं पूरा ईजी मेथड में कर बोलता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में से कोई एक एंगल ले जाओ, उसका आधा करके देख लो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, चेक करो भाई। अरे कौन से क्वाड्रेंट में होता है, हेलो सेकंड सेकंड होगा ना, हाँ यस सर, कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल ले जाओ आपका मर्जी, 190 डिग्री ले जाओ, 190 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जरूर, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा है, 270 से कम है, उसका आधा कर लो, तो इसका मतलब पता चल गया कि x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है। x बाई टू अगर ये एक एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉस तो नेगेटिव होना चाहिए राइट? यस सर। तो कॉस एक्स बाई टू को, एक्स बाई टू का वैल्यू हम दोनों में से किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, नेगेटिव को एक्सेप्ट करेंगे और ये बंदा को रिजेक्ट कर देंगे। आई होप यू गेट इट राइट, ये रॉफ वर्क है, ये रॉफ वर्क है, रॉफ, ये रॉफ में करना, यहाँ पर नहीं करना। तो ऐसा करके मुझे कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू पता चला। अब आता है बेटा, आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स बाई टू, राइट? ओके। और कॉस एक्स का वैल्यू कितना है बेटे, दे रखा है माइनस फोर बाई फाइव, कॉस एक्स का वैल्यू है माइनस फोर बाई फाइव, तो इधर हम लिखेंगे वन माइनस माइनस फोर बाई फाइव बाई टू, ये हो जाता है वन प्लस फोर बाई फाइव बाई टू, तो हो जाता है कितना बेटे बताओ, नाइन बाई नाइन टेन हो जाएगा राइट? चेक करो, यस बस। तो बेटे अगर साइन साइन एक्स बाई टू का अगर स्क्वायर 9 बाई टेन है, तो इसका यही मतलब है ना कि साइन एक्स बाई टू 9 बाई टेन का स्क्वायर रूट होगा, और 9 बाई टेन का तो दो दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक है 3 बाई रूट ओवर ऑफ 10, दूसरे क्या होगा माइनस 3 बाई रूट ओवर ऑफ 10 राइट, प्लस और माइनस लेते हैं ना, तो एक है प्लस। लेकिन हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऑलरेडी पता चल चुका है। तो अगर x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये x बाई टू का साइन तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, कि एस टी सी रूल बोलता है वही राइट? यस सर, यस सर। तो साइन x बाई टू का वैल्यू किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको नेगेटिव को रिजेक्ट करके पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे, तो साइन x बाई टू का वैल्यू क्या निकल के आता है बेटे, 3 बाई रूट 10। अभी साइन x बाई टू का वैल्यू निकल गया, कॉस x बाई टू का वैल्यू निकल गया, तो टैन एक्स बाई टू का वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं साइन एक्स बाई टू में कॉस एक्स बाई टू डिवाइड कर दूंगा। अभी साइन एक्स बाई टू इज 3 बाई रूट 10, कॉस एक्स बाई टू इज व्हाट, क्या है बताओ, माइनस वन बाई टेन, माइनस वन बाई रूट टेन आया था ना, यस सर। हाँ तो कितना होगा, माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री,
इक्वल टू माइनस टू। यस सर। तो आई होप बेटे ये सवाल में आप फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे खुद के लिए, राइट? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल टेल यू समथिंग। टेक इट टेक इट टेक इट। डन? यस सर। ओके टेक इट। डन? यस सर। डन सर। यस सर। ओके। अच्छा गाइस, कैन आई मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं आपको एक बात अभी बोलूंगा, आप बिलीव करोगे तो मेरे बात को? नहीं समझोगे ना मैं झूठ बोल रहा हूँ? यस सर। लिसन, ये जो सवाल अभी जो पर्टिकुलर सवाल मैंने किया आपके सामने, क्या आप बिलीव करोगे कि ऐसे बहुत सारे सवाल में खुद को ही समझाया था प्लस टू में, खुद को, लेट मी लिटरली, ना ट्यूशन टीचर ना स्कूल के टीचर, मतलब ये जो क्वेश्चन आपके सामने अभी किया ना, इसको मैंने प्लस टू में भी समझा था, लेकिन खुद को समझा दिया था। कोई भी टीचर मदद करने के लिए मैं किसी के भी पास भी नहीं गया। और पता है ये क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे कितना टाइम लगा था? जाहिर सी बात है भाई, आधा घंटा एक घंटा तो लगेगा ना, लेकिन लिया था टाइम। यू गेट माई पॉइंट सो फार? खुद से लिया था। अब कैसे? ओके। अब आप बोलोगे सर आप कैसे लिए थे, क्या तरीका है, आपको कैसे पता चला इसका ऐसा होगा? बेटे क्या सलाई सोई टू यू कि यही सवाल आपके बुक में ही एग्जाम्पल में दे रखा है, डिट्टो इसी तरह की सवाल, बट यू नेवर डू द एग्जाम्पल्स ऑफ द बुक, बुक का एग्जाम्पल नहीं करते हो, हमेशा बोलते हो कि सर आप हमें असाइनमेंट दीजिए हम करेंगे। बेटे कभी कभी खुद का असाइनमेंट खुद बना लिया करो, खुद बुक से क्वेश्चन किया करो, तभी कुछ कर पाओगे। गेट माई पॉइंट? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा आप में से कितनों को बिलीव नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन मैंने खुद को समझाया था? इज देयर एनीबॉडी हु डजंट बिलीव मी? इज देयर एनीबॉडी? एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना बेटे, 90% उसका मैं खुद को समझाया था। नोबडी वाज देयर टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू मी। सिर्फ मैं नहीं, बीजेपी कॉलेज का 90% स्टूडेंट का वही होता है। मतलब हम अच्छे पढ़ के वहाँ पर अच्छे परसेंटेज लेके जाते हैं और वहाँ पर खुद मेहनत करके मार्क लाते हैं, कोई हमें वहाँ पर गाइड करने के लिए नहीं होता था। और लेकिन वो अच्छा मेथड था। यू गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर। हाँ बेटा, कलेरा थोड़ा सा कड़वा लगेगा बट कलेरा सेहत के लिए अच्छा होता है, राइट? फास्ट फूड खराब होता है सेहत के लिए, दो मिनट में सब कुछ मिल जाए ये खराब होता है सेहत के लिए। आई होप यू गेट इट, राइट? यस सर। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बस कॉम्प्लेक्स नंबर का और एक सवाल करता हूँ बेटे। x प्लस आई वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई भी दे रखा है और उसने पूछा है कि सो दैट u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सवाल मैंने करवा दिया था और ये सवाल को बड़े प्यार से आपको समझाया था कि बेटे देखो, यहाँ पर अगर आपको ये प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू ये दिखाना है, तो किसी तरह अगर हमें u एंड v का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा ना। तो यहाँ पर हम इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मदद ले सकते हैं, इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो मदद कैसे लेंगे बेटे कि जरा सोचो। अच्छा ये माइनस था तो क्वेश्चन में, एक सेकंड रुको मैं देख लेता हूँ। यस यस यस। अब जरा बेटे देखो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है उसने बोल रखा है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कैसे इक्वल होते हैं? अगर मैं बोलूँगा एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई वी, कब होंगे ऐसा कब होगा? जब एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी होगा, राइट? अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होंगे एंड कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, तभी जाके मैं बोलूँगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के साथ इक्वल है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ परफेक्टली क्लियर, राइट? यस सर। यस यस सर। अच्छा अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसके साथ इक्वल दिखाना है, पहले तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पर है एक्स प्लस आई वी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फिर आप दिखा पा रहे हो कि इसका x इज शुड बी इक्वल टू y, इसका y शुड बी इक्वल टू b। अच्छा मैं अगर यहाँ पर ऐसा दे दूँ तो ऐसा नहीं लिख सकता ना x शुड बी इक्वल टू a, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं रहा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है,
तो इसको पहले आप सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, लाने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा उसका रियल पार्ट इसका ए के साथ इक्वल होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट इसके बी के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी वही बात हुआ, ये लेफ्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब है। तो इसको खोलो बेटे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म लगाओ, क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। आई होप यू गेट इट राइट। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। इधर ये ए है और ये बी है ना, ऐसे ट्रीट कर लो, ये ए और ये बी, बीच में प्लस फिर उसका होल क्यूब। तो एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब आई वाई का होल क्यूब। अब बेटे देखो कृपा करके, जब आप आई वाई का क्यूब लिखोगे तो आई वाई का होल क्यूब मतलब ऐसा लिखो बेटे, ऐसा मत लिख लेना, गलत होता है, ये और ये सेम नहीं होते हैं। इसका मतलब होता है कि आप आई को वाई क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब होता है कि वाई को वाई, हाँ आई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके होल क्यूब ले रहे हो। दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे डोंट मीन द सेम। आई होप यू गेट इट। प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री इंटू ए इधर एक्स है तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी इधर वाई आई वाई है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री इंटू ए इधर एक्स है और बी इधर आई वाई है, आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, दे रखा है उसमें। तो जाहिर सी बात है बेटे, जब आप इसको खोलोगे तो एक्स का क्यूब बेटे, आई वाई का क्यूब का क्या मतलब होता है कि आई का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, राइट? अच्छा, और ये बेटा क्या है बेटे, थ्री आई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, अरे समझ रहे हो, अरे गॉट इट। हेलो। यस सर। हाँ, और बेटे इधर देखो प्लस थ्री एक्स बेटा आई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, ओके। अब बेटे आई का क्यूब माइनस आई होता है ना, राइट? तो माइनस आई वाई क्यूब, आई का क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, और ये प्लस थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा आई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है ना, माइनस वन, तो ये माइनस वन, तो माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। अच्छा तो अब देखो कुछ बात बन रहा है, बस लेफ्ट में हमें क्या करना है, सारे रियल नंबर को इकट्ठा करना है, सारे इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा करना है। तो इसमें ये और ये दोनों रियल नंबर है, तो इन दोनों को पास पास ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये दोनों इमेजिनरी नंबर है क्योंकि दोनों में आई के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों के दोनों इमेजिनरी नंबर है, उन दोनों को इकट्ठा करते हैं। और मैं प्लस आई कॉमन ले लेता हूँ इसमें से इसमें से, तो इसमें से अगर आई कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, इसमें से आई कॉमन ले लें माइनस वाई क्यूब, यू गेट इट, इज इक्वल टू यू प्लस आई। अब बेटे लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। देखो बेटे, सम रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर, सम रियल नंबर प्लस आई इंटू ए प्लस आई बी फॉर्म में है ये अभी। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए एंड दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, राइट? क्लियर? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, इसका इमेजिनरी पार्ट भी के साथ इक्वल होना चाहिए। अच्छा आपका जो प्रूव आप करना चाहते हो उसका एल एच एस में यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई है, तो क्यों ना यहीं पर ही यू बाई एक्स निकाल दिया जाए, क्योंकि यू तो हमें पता है, तो यू बाई एक्स क्या होगा, इसमें एक्स से डिवाइड कर दो। तो बड़े इसमें जब एक्स को डिवाइड करोगे एक्स क्यूब में, एक्स डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें एक्स को डिवाइड करोगे थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, यू गेट इट। हेलो। यस सर। उसी तरह बेटा क्यों ना वी बाई वाई इधर ही निकाल ले, तो कैसे निकालेंगे, दोनों में वाई डिवाइड कर ले, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसमें से वाई कट गया इसमें से। तो अब हमें क्या दिखाना होगा, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई का वैल्यू दिखाना होगा, ये एल एच एस राइट। तो yes,
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर जो कि u बाई एक्स है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि v बाई वाई है, दोनों अगर ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाता है फोर एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है माइनस फोर वाई स्क्वायर, दोनों में से फोर कॉमन ले गए हैं तो फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही तो दिया था उसने आपको प्रूव करने के लिए। आई होप यू गेट इट राइट। यस सर। हाँ टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। डन डन। ओके ओके यस सर। ओके कैन आई आस्क यू समथिंग हियर? अच्छा बेटे मुझे बात बताओ, अगर ये सवाल को बिना टीचर के मदद से हम करने जाएं, क्या हम में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको डायरेक्ट ये कर देंगे? डायरेक्ट पूरा एक तो एक 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 स्टेप में हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट कर लेंगे, एक 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 बार कर लेंगे, करेक्ट होगा? नहीं ओ सर, नहीं ओ सर। बेटे 90% से ज़्यादा स्टूडेंट आप में से नेचुरल है कि आप इसको करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट टाइम लेना चाहिए, ना कि टीचर को फोन करके पूछ दीजिए सर हमें बता दीजिए यू बाई एक्स प्लस बी बाई कैसे हुआ, तो चीटिंग हो गया ना, आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। यू गेट माई पॉइंट? ओके सो टेक द स्क्रीन शॉट। डन। यस सर। यस सर। हाँ ओके, आई होप आप मेरा बातों को जिंदगी भर याद रखोगे और कभी ना कभी जिंदगी में इस्तेमाल करोगे तभी बड़े इंसान बनोगे, हाँ नहीं तो मनमानी करोगे तो छोड़ो आप समझो, ठीक है ना। अच्छा बस ये क्वेश्चन बस करेंगे, फिर ये लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं कल सुबह करूँगा क्लास, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा हाँ ओके, इजी क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 7 दिया था मैंने आपको आज कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस प्रूव दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री बाई टू, इसको मैं प्रूव करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ये क्वेश्चन को अगर आप खुद से करोगे तो एक घंटा मेहनत करोगे तो एक घंटा में हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। आप वैसे 90% अगर ट्राई करोगे एक घंटा में ये सवाल कर लोगे, और आप बोलोगे सर कैसे करेंगे इसको देख के कि तो कुछ नहीं पता चलता है। हाँ देख के पता थोड़ी ना चलेगा बेटे, सुबह बोला था ना 11th 12th का मैथमेटिक्स में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, अरे बोला था ना सुबह, क्या सुबह बोला था, क्या जरूरी होता है 11th 12th है मैथमेटिक्स में, एनालिटिकल एबिलिटी। हाँ मतलब एक एक चीज को करने के लिए आपके पास हजार फॉर्मूले होंगे लेकिन आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला में हो जाएगा, तो जब आप खुद से एग्जाम के पहले करोगे तब आपको हजार फॉर्मूला अगर ट्राई करना हो तो कर लो, लेकिन एट लास्ट आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला से इसीलिए नहीं हुआ, 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 फाइनली ये फॉर्मूला से हो गया, कुछ तो कारण होगा, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि ये सारे फॉर्मूले क्यों यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आपको अभी बता दिया तो क्या होगा पता है, आप एग्जाम देते वक्त आप कंफ्यूज होते रहोगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि आप भूल गए होंगे मैं जो बोलता हूँ। यू गेट माई पॉइंट सो फार? हेलो। यस सर। यस सर। अरे मानोगे कि खाली यस सर बोलते हो, मानोगे कि नहीं, मानोगे कि नहीं रियल लाइफ में? यस सर। यस सर। बस हजार फॉर्मूले, हजार फॉर्मूले में सारे के सारे फॉर्मूला अप्लाई करो खुद से, लास्ट को जो फॉर्मूला वो काम करता है, वो फॉर्मूला क्यों काम करता है वो आपको पता चलेगा। अगर मैं एक फॉर्मूला में कर दूं, आप एक फॉर्मूला में कर दिए तो गलत बात है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मुझे 3/2 के साथ इक्वल दिखाना है, ये क्वेश्चन मैंने ये सारे क्वेश्चन कर दिया हूँ राइट। ओके ओके तो जरा बेटे सोचो, मैं LHS पे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री। अच्छा एक मिनट जरा ठहरते हैं, जरा सोचते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग का वैल्यू दिखाता है? ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला मुझे जहाँ तक पता है नहीं है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटे अगर आप सारे के सारे फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो आपको पता ही चल जाएगा कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई भी हमें, हाँ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है कि टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू
इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। लेकिन ऐसा कोई भी फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, इसका कोई भी फॉर्मूला मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो इसका मतलब ऐसा कुछ भी फॉर्मूला आप इधर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, तो इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम कर सकते ना, अगर हम ऐसे नहीं कर सकते, हम सबको पता है ना बेटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। तो देखो बेटे, मैं ऐसे ही लॉजिक लगा रहा हूँ कि एंटायर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूले वो सब मेरे मुंह पर है, मेरे ब्रेन मतलब दिमाग में पूरा भरा हुआ है, डायरेक्ट मैं इन्वोक कर सकता हूँ। तो मुझे डायरेक्ट याद आ रहा है कि ऐसा एक सिंगल भी फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा हूँ, कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, मैं कॉस सी प्लस कॉस डी पढ़ा हूँ। लेकिन मैं टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जरूर पढ़ा हूँ, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। तो मेरे पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो सर बोले थे जो नहीं है उसको लाओ और करो। तो बस बात ये है कि ये अगर टू समय मल्टीप्लाई होता तो कुछ कर पाते, तो करते ना वही, एक काम कर देते हैं, सब में टू मल्टीप्लाई करके टू डिवाइड करते हैं, ताकि वही सेम टू सेम रहे, क्योंकि अगर खाली टू मल्टीप्लाई करके तो चेंज हो जाएगा ना बेटे। हेलो, कोई फायदा नहीं भाई, कोई फायदा नहीं, दीवार में सर पटकना जैसा होता है, कोई फायदा नहीं। अभी यस सर बोल रहे हो, घर में जाके नो सर हो जाएगा, घर में जाओगे रात को खा पी के सो जाओगे, सुबह सुबह है क्या सर बोल रहे थे, पागल कतरा, कौन मेहनत करेगा एक घंटा एक क्वेश्चन कौन करेगा, अरे नहीं हो रहा है तो देख लेते आंसर राइट, कौन इतना इतना माथा पच्ची कौन करेगा, संडे है थोड़ा सो लेते हैं ना, क्या सुबह सुबह उठ के मैथ, क्या एक क्वेश्चन को दो बार करना है, चलो भाग, यही करोगे आप, ओके चलो ठीक है। तो टू एलसीएम ले जाते हैं, तो ऊपर होगा टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फाइव बाई थ्री प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फाइव बाई थ्री। देखो आप तीनों रेस्पॉन्ड बस किए, बाकी कोई नहीं किए, इसका मतलब बाकी सब घर में जाके वही करेंगे। ओके ठीक है, तो बेटे टू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा राइट, मतलब वन प्लस कॉस टू एक्स। ओके हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स, हेलो तो यस सर बोलने में शर्म आता है क्या, लैपटॉप के पीछे बैठ के भी शर्मा रहे हो, सामने कैसे सर, मतलब पूरा सामने तो बैठोगे तो कुछ भी नहीं बोलोगे। ओके तो इधर वही लिखा है टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा वन प्लस कॉस कॉस टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री, बस ये आपका थीटा है, तो वन प्लस कॉस टू थीटा होगा ना, ये थीटा है, इधर क्या होगा, अरे समझे कि नहीं, यस सर यस सर, बस ये थीटा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो वन प्लस कॉस टू थीटा, ये थीटा बस। अच्छा कोई आसमान से आया क्या फॉर्मूला, मतलब कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा, नहीं नो सर, क्या लगाए, जुगाड़ लगाए, क्या लगाए, जुगाड़ लगाए, थोड़ा सा रिस्क लिए, थोड़ा सा रिस्क, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। अच्छा तो बेटे ये वन प्लस वन क्या हो गया, थ्री हो गया, इधर कॉस टू एक्स प्लस बेटे ये क्या है बेटे, कॉस ये अगर एंगल को भी एंगल अगर पूरा इकट्ठा कर लो, टू इंटू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री, तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू फाइव बाई थ्री प्लस ये कॉस टू एक्स माइनस टू फाइव बाई थ्री डिवाइड बाई टू। अब देखो बेटे, अब अगर सर का बात मान के आप फॉर्मूला याद रखोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, ये फॉर्मूला जब आप देखोगे तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, बस। लेकिन अगर याद नहीं है ना बेटे हम कछु नहीं कर पाएंगे, तो टू कॉस ए इधर क्या है बेटे टू एक्स, कॉस बी क्या है बेटे टू पाई बाई थ्री, यू गेट इट, यस सर यस सर, वेरी गुड, टू कॉस ए कॉस बी, हाँ यस,
in the third last step we can also do that formula like cos x plus cos 60 degree plus x into cos 60 degree minus. कॉस 60 डिग्री माइनस है 60 डिग्री माइनस एक्स कहाँ से है? ये तो है 120 डिग्री, 60 डिग्री नहीं है तो क्या बोल? नहीं समझ में। सर इन द बिफोर स्टेप। हाँ बिफोर स्टेप कहाँ पर? हाँ क्या क्या लगा हुआ है? टू सामने है तो नहीं होगा सर, ये नहीं होगा ना, ये टू एक है ना उसके यस मल्टीप्लाई एंगल यस में, अगर खाली यस इधर टू होता तो वो कुछ कर पाते, लेकिन ये टू पूरा एंगल के साथ मल्टीप्लाई हुए ना, तो पूरा इसका कॉस निकाल रहे हैं, खाली इसका नहीं। अच्छा ओके तो बेटे बहुत ही आसान हो गया अभी हमारा काम, कॉस 2π/3 तो अगर अगर हम रॉ फेस को करें कॉस 2π/3 विल बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री राइट? यस सर। अब जरा बेटे देखो पाई पाई नामक प्राणी कहाँ पर पाया जाता है? इधर पाया जाता है, पाई प्राणी इधर पाया जाता है ना, पाई नामक प्राणी इधर यस पाया जाता है, बस तो पाई होता है एक्स एक्सिस पर, तो कॉस कॉस होके रहेगा, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस उसके बाद कॉस कॉस होके रहेगा, फिर पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री, और पाई बाई थ्री होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो गया माइनस 1/2। आई होप एवरीबॉडी गेट्स इट राइट? यस सर। हाँ तो बेटा देखो चेक करो, ये हो गया 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x और इसका वैल्यू हो गया माइनस 1/2। ओके तो ये 2 2 कट गया। अच्छा 2 2 कटने के बाद ये क्या है? माइनस कॉस 2x है, ये माइनस कॉस 2x, ये प्लस कॉस 2x, दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो क्या बचेगा? खाली 3/2 बचेगा ना RHS में। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके सो यहाँ पर हम क्लास समाप्त करेंगे, आगे कल कल 11 बजे नहीं 10 बजे, 10 बजे बोला था ना, 10 बजे रेगुलर yes, क्लास है, मिसेलेनियस हाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मिसेलेनियस एक्सरसाइज कल करेंगे। लेकिन बेटे आई होप, लेकिन आई होप मैं जितना आपको आज बोला सार्केस्टिकली बोला, ऑब्वियसली आई एडमिट बहुत सारे चीज़ें सार्केस्टिकली बोला, और कभी कभी सार्काजम का जरूरत होता है, कभी कभी डायरेक्ट दिमाग में नहीं घुसता है, लेकिन सार्काजम को बुरा नहीं मानना चाहिए, सार्काजम को अंदर लेके समझना चाहिए कि सर क्यों सार्कास्टिकली बोल रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट ऑफ यस यस सर। हाँ नहीं तो क्या होगा, आप 11th खत्म हो जाएगा, 12th खत्म हो जाएगा, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लेकिन फ्यूचर आपका ही है, जॉब आपको एक दिन करना है, लाइफ आपका एक दिन बनाना है, हमारा लाइफ बन चुका है, हमारा उम्र 30 साल हो गया है, हम थोड़ी ना अपना लाइफ बनाएंगे अभी राइट, तो आप Yes, तो आप थोड़ा गाइडेंस को मानो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मानते चलो, थोड़ा मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा बेटे, बिना मेहनत के फल कभी नहीं मिलता, और मेहनत ये नहीं करना है कि फ़ोन को खाली डायल कर देना, सर का 10 नंबर घुमा देना, सर को कॉल कर देना, हो गया मेहनत, वो तो मेहनत कैसे हुआ, वो आप मुझे कॉल किया मैंने आपको फ़ोन में समझाया तो वो तो मेरा मेहनत हुआ ना, आपका मेहनत कैसे हुआ? अरे समझ रहे हो? यस सर। खुद का समझना, खुद 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 समझना थोड़ी ना कोई मेहनत होता है, खुद को समझाना मेहनत होता है राइट? यस यस सर। यस सर। बी योर ओन टीचर। ओके सो आई होप यस सर आप थोड़ा सा सुधर जाओगे, कल से आप एक नया इंसान बन के अपना पढ़ाई पढ़ाने पूरा सर। वेरी गुड, चलो बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.